सो महिंद्रा एंड फोर्ड के टाइप के बारे में मैंने कुछ टाइम पहले अपने एक वीडियो में आपको बताया था, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं दोनों ब्रांड्स की एक्सपर्टाइज का यूज करते हुए एक अपकमिंग मिड साइज सी सेगमेंट फोर्ड की एसयूवी के बारे में। सो लेट्स गेट इनटू इट। रिसेंटली मिस्टर पवन गोयनका, जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी हैं, उनके एक स्टेटमेंट के मुताबिक दोनों ब्रांड्स अगर एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स और पावर ट्रेन्स का जॉइंट डेवलपमेंट के तहत यूज किया जाए तो डेवलपमेंट कॉस्ट भी लो हो सकती है और जो प्रोडक्ट आएगी वो भी एक बेहतरीन क्वालिटी की प्रोडक्ट आ सकती है। सो बेसिकली पहले मैं आपको ये बता दूं कि महिंद्रा अपनी नई XUV 500 यानी कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ XUV 500 मिड या तो एंड ऑफ 2020 तक हमारे सामने लेके आ सकती है, लेकिन उसके बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में जरूर बात करेंगे और डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है उस नई नेक्स्ट जेन XUV 500 के पास से। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि यही अपकमिंग नेक्स्ट जेन XUV 500 में महिंद्रा ने अपना बिल्कुल नया और एडवांस्ड 2.0 लीटर का डीजल इंजन दिया है, जो कि 180 PS तक पावर आउटपुट की डिलीवरी देने के लिए कैपेबल है। और ये XUV 500 के नेक्स्ट जेन अवतार को कोड नेम दिया गया है W601। अब यही इंजन के साथ इस W601 के प्लेटफॉर्म का यूज करेगी फोर्ड अपनी अपकमिंग CSUV में। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पे रीसेंट एग्जांपल्स के जैसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैजेस चेंज नहीं होने वाला है, ये चीज को नोट कर दीजिएगा। फोर्ड अपनी जो भी कैपेबिलिटीज के लिए फोर्ड की कार जानी जाती है वो सारी कैपेबिलिटीज फोर्ड की अपकमिंग एसयूवी में जरूर देखने को मिलेगी। और यहाँ पे फोर्ड अपनी एसयूवी को पूरी तरह से अपनी स्टाइल में इंटीरियर एक्सटीरियर से ही नहीं बल्कि राइड एंड हैंडलिंग में भी एक बेमिसाल एग्जांपल सेट करने वाली है। और जैसे आपको ऑलरेडी मालूम है कि फोर्ड की कार्स और एसयूवी में राइड एंड हैंडलिंग की क्या क्वालिटी होती है, तो ठीक उसी तरह से आपको अपकमिंग एसयूवी में भी वही सारी चीजें देखने को मिलेगी और राइड एंड हैंडलिंग और सेफ्टी के डिपार्टमेंट में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा फोर्ड के द्वारा। इंजन की बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली BS6 कंप्लायंट ही रहेगा, और हाँ फोर्ड की एको स्पोर्ट के साथ कुछ एलिमेंट्स जो है, कुछ इक्विपमेंट्स लेवल जो है वो सारे सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मजे की बात तो ये है कि जो अपकमिंग एसयूवी है वो एको स्पोर्ट से एक लेवल ऊपर की एसयूवी होगी। तो यहाँ पे कुछ और एडिशनल फीचर्स और एडिशनल इक्विपमेंट्स आपको देखने को मिले तो ये कोई नई बात नहीं होने वाली है। इसके अलावा जैसे मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपको बताया था जो कि फोर्ड एंड महिंद्रा के ऊपर बेस्ड था, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में आपको मैं लिंक जरूर दे दूंगा, आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो उस वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि महिंद्रा फोर्ड की ग्लोबल रीच एंड एक्सपर्टाइज का पूरा बेनिफिट ले सकती है, और दूसरी ओर फोर्ड महिंद्रा से इंडियन ऑपरेशंस और स्मॉलर इंजन्स में भी फ्यूचर में हेल्प ले सकती है। तो ये जो कोलैबोरेशन है, ये आउटपुट जो देगा वो हम कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन आउटपुट होने वाला है। वैसे मेरे साथ साथ ऐसे बहुत सारे ऐसे कार एंथुजियास्ट्स हैं जो कि इस कोलैबोरेशन के लिए, इस जॉइंटली डेवलपमेंट के लिए कब से एक्साइटेडली वेट कर रहे हैं। फाइनली मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, अगर 2.0 लीटर के बिल्कुल नए और मोर पावरफुल इंजन के साथ अगर ये फोर्ड की अपकमिंग एसयूवी अपने इंडियन मार्केट में आती है तो क्या जीप कंपास और टाटा की अब बिल्कुल नई हैरियर के साथ कम्पीट करने के लिए एलिजिबल होगी, और अगर होगी तो कहाँ पे स्टैंड करेगी, आपको क्या लगता है? आपके कोई क्वेश्चंस या तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए, इस पर्टिकुलर अपकमिंग एसयूवी के लिए आपके कोई कंफ्यूजन्स या तो क्वेरीज है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज फोर्ड एंड महिंद्रा के नाम पे प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जो भी कस्टमर्स, जो भी आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हैरियर या तो जीप कंपास के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये न्यूज एक बार जरूर सुनने जैसा है। इसी के साथ अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा और इस बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के साथ मैं आपको ऑलवेज अपडेटेड रख पाऊं। सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसे किसी इनक्रेडिबल इन्फोज के साथ अपने इस इनक्रेडिबल चैनल में मैं जय दवे आपके सामने वापस हाजिर होऊंगा।
तब तक के लिए चूज वाइज, ड्राइव सेफ और लिव इन क्रेडिबल, राइट? थैंक यू।